सबसे पहले मैंने सीरम अप्लाई किया है, विटामिन सी का सीरम है। इसको मैं डे में नाइट में जब मन करता है तब लगा लेती हूँ। और मेकअप से पहले लगाने से मेकअप का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये लगा लिया, उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर कैसा यूज़ किया है मैंने, मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूँगी। आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं जेल आईलाइनर ले रही हूँ, ये लॉन्ग बियर म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर है। तो चलिए मैं अपना आईब्रो फिल करके आईब्रो को सेट करने के बाद से मैंने ये लिया है सिस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट, जिसे ऑरेंज कलर लेके मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आई मेकअप कर लेने के बाद फेस मेकअप करने पे ज़्यादा इजी होता है और आपका जो भी प्रोडक्ट फेस पे गिरता है वो आपका मेकअप को ख़राब नहीं करता है। इसके बाद मैं कंट्रोल पैलेट में से ही अपनी स्किन का शेड लेके और अपने आईज़ को अच्छे से सारा डार्कनेस को हाइड करूँगी। मैं अपना मेकअप करते टाइम फिंगर का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो आप देख सकते हो अच्छे से ये कलर मेरे फेस के अकॉर्डिंग हो गया है और डार्क सर्कल भी हाइड हो गया है। इसके बाद मैं लैक्मे 9 to 5 का फेस पाउडर लेके अपने आई मेकअप को सेट करूँगी, ताकि हमारी लाइन आईज पे क्रीच ना बने। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। जैसा कि मेरा ड्रेस है मेहरून एंड येलो कलर में, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया यहाँ पे आई शेडो पैलेट और अपने क्रीच एरिया पे इस तरीके से पहले अपने ब्लाउज का कलर जो मैरून कलर है वो अप्लाई कर दूँगी। क्रीच एरिया पे मैंने मैरून कलर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद से मैं कट क्रीच बनाने के लिए यहाँ पे प्रो कंसीलर HD हाईलाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ, जिसमें इस टाइप का ब्रश दिया होता है, जिससे आप इजीली अपना लाइन बना लोगे। ये जो मैंने कट क्रीज बनाई है इसके ऊपर पूरा मैं गोल्डन कलर अप्लाई करूँगी। पहले मैं इस आईज पे भी कर लूँ। इस तरीके से मैंने गोल्डन कलर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी, येलो कलर का ग्लिटर। पहले मेकअप फिक्सर लेके एक फ्लैट ब्रश पे इस तरीके से मार लेंगे, उसके बाद से इस पर ग्लिटर लेंगे और अपनी आईज पे इजिली आप लगा लेंगे। इस तरीके से इजिली आपके आईज पे आपका ग्लिटर चिपक जाता है और लंबे टाइम तक टिका रहता है। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा आईज को स्मोकी लुक देने के लिए डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके अपनी जो हमारी कट क्रीच जो क्रीच एरिया थी उस पर थोड़ा इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ओके, लो वाटर लाइन पे भी इस तरीके से हम कलर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग अपने फेस का मेकअप करेंगे। तो फेस पे भी जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ये ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रोल अप्लाई कर दीजिएगा। बस मेरे फेस पे ज़्यादा नहीं है, आपके पे जैसे होगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा अप्लाई। उसके बाद से अपने फेस का शेड लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे नहीं यूज करना चाहिए, इससे आपका मेकअप काला हो सकता है। ओके, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ।
आईज के बहुत ज़्यादा नीचे तक आपको कलर अप्लाई कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करना, बस इतना अप्लाई कीजिए और ब्लेंड करोगे तो आप इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अभी अपने फेस पे कॉन्ट्रोल करेंगे। कॉन्ट्रोल के लिए अपनी स्किन से डार्क शेड लेके, जैसे मुझे अपनी नोज को पतला दिखाना है, जितना पतला दिखाना है उतना ही पतला आपको ये लाइन भी बनानी है फेस पे। स्टिक कॉन्ट्रोल ले लिया है क्योंकि उससे मुझे अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके, इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। फेस पतला दिखाना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अगर आपकी इस तरीके से बहुत बड़ा है साइड का ये वाला हिस्सा तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और इसको ब्लेंड कर देना। इसके बाद आपको इसी में हाईलाइट टाइप का दिया होता है, जहाँ जहाँ आपने ये अप्लाई किया है उसके जस्ट बीच में इस तरीके से अप्लाई करना है और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ओके, ध्यान रखिएगा ब्यूटी ब्लेंडर आपका थोड़ा गीला होना चाहिए। अब जहाँ से आपने डार्क शेड ब्लेंड किया है वहीं से आपको व्हाइट शेड भी ब्लेंड करना है, तो पहले डार्क शेड ब्लेंड कर लेते हैं। अब दूसरी शेड साइड से आपको व्हाइट वाला शेड ब्लेंड करना है। इसके बाद आपको ब्लशर यूज करना है। ब्लशर में से पिंक कलर का शेड ले लेना है, अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लशर यूज नहीं करना है, थोड़ा सा नोज पे यूज कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है गोल्ड मेकअप का। मेकअप फिक्स करके पूरे मेकअप को फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम लोग हाइलाइटर यूज करेंगे, इसको सुखा लेंगे अच्छे से। हाइलाइटर मैंने यहाँ पे चीज ब्यूटी का लिया है। जो आपका हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे आप अप्लाई करोगे। आईब्रोज के नीचे मैं भूल गई थी, यहाँ पर जरूर लगाइएगा आपके आई मेकअप को अच्छा लुक दिखाने के लिए। बस अब मैं अपना फेवरेट लिपस्टिक लगा लूँगी और ये है मेरा फाइनल लुक मेकअप का। तो सिंपल एंड नेचुरल लुक है, बहुत ही अच्छा है। आप शादी पार्टी में भी इस तरीके से कर सकते हो और बहुत ही अच्छा दिखता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा हैवी सा नहीं लगता इस तरीके से मेकअप करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो प्लीज़ जाके चेक जरूर कर लीजिए।